हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल के लड्डू, जो कि जन्माष्टमी में प्रसाद के लिए भी चढ़ाए जाते हैं एंड बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ क्लेरिफाइड बटर, जो कि देसी घी है। तो इसे हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कप का मेज़रमेंट लिया है, तो कप के मेज़रमेंट से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। तो आप कोई भी कटोरी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जो भी कटोरी लें, चाहे बड़ी लें चाहे छोटी लें, तो मेज़रमेंट सेम ही रखें। तो यहाँ पर मैंने 3 कप इस तरीके से कोकोनट ले लिया है एंड इसे हल्का हल्का इस तरीके से चलाएंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा कलर जो है वो चेंज होने लगा है। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उसी कप के मेज़रमेंट से मैं दूध ऐड कर रही हूँ। 1 कप दूध ऐड किया है एंड इसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाए एंड धीरे धीरे, जब तक कि ये सूख ना जाए दूध, तब तक हमें इसे चलाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी जो है वो 1.5 कप कर दें, बट कंडेंस मिल्क से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करते हैं तो 1.5 कप दूध ऐड कर सकते हैं एंड चीनी यहाँ पर मैं कम ऐड करूँगी, बिकॉज कंडेंस मिल्क ऐड किया है। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी ली है, आप 1 कप चीनी कर सकते हैं। तो जो भी रेसिपी है उसकी पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। देन हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मैं हाई पे कर लूँगी, ताकि जो शुगर मैंने ऐड की है तो वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे शुगर जो है वो मेल्ट होने लगी है। कि आप देख सकते हैं शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है एंड ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी लिक्विड हो गई है, बट हमें इसे चलाते रहना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये शुगर वगैरह जो थी जो मेल्ट हो गई थी, तो वो अच्छी तरीके से अब सूख चुकी है एंड ये पूरा एक साथ होने लगा। इस तरीके से जब होने लगे एक साथ, तो मतलब ये पूरा हो चुका है। इस तरीके से हम लड्डू बना सकते हैं। तो साइड्स भी इसने इस तरीके से छोड़ दी है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी, ठंडे होने के बाद में मैं लड्डू बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। तो अब ये तैयार है लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पर मैं कोई भी हाथ में घी वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इसमें थोड़ा घी है एंड नारियल का खुद का भी ऑयल होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप छोटे बनाने चाहते हैं बॉल्स या बड़े बनाने चाहते हैं। तो इस तरीके से राउंड बॉल्स बना लेंगे, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। एंड देन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल लेके रखा है, तो इसे कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो है थोड़े से मोटे थे, तो इसको मैं अच्छी तरीके से फिर से एक बार ग्राइंड कर लूँगी, बिकॉज ये कोट नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर कोट हो जाए। तो अगेन इसे मैं कोट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से इस पर चिपक गया है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर अब मैं सारे लड्डू जो है वो बना के तैयार कर लेती हूँ। तो
यहाँ पर सारे लड्डू बन के तैयार हैं एंड बहुत ही झटपट बन जाते हैं, तो फटाफट आप इसे बना सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।